वो तो क्या, नागरिकता का मामला तो केंद्र का मामला होता है कि, है ना, तो वो लागू नहीं किया जाएगा वो बात नहीं है, वो तो सेंटर के लोग हैं, वो पासपोर्ट ऑफिस और ये सब करेंगे वो सारा नागरिकता देने का, जिसको देना है दें आप, है ना, जैसे आप पहले दे रहे थे। लेकिन बात है कि वो नेशनल रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या आप अपने बाप दादाओं का प्रमाण देना चाहेंगे कि वो यहाँ पैदा हुए थे कि नहीं, होना चाहिए, चाहते हैं आप देना? बिल्कुल। आप घर में जाके, आपको ये इंसल्ट नहीं लगता है कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे कि आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं है, कोई भी हो, तो उस लाइन में तो सब खड़े रहेंगे, तो फिर आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा दस्तावेज लेकर आएंगे दिखाने के लिए कि आप इस हिंदुस्तानी हैं या नहीं है, और कोई पूछने वाला कौन होता है? सर मुस्लिम जी। कौन होता है? क्या सरकार ही पूछेगी क्या कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है? क्योंकि जो जिन नागरिकों के दम पे सरकारें बनती हैं वो उल्टा नागरिकों से पूछेगी कि आप दस्तावेज दिखाओ, आधार नंबर दिखाओ, अपने बाप दादाओं की जमीन की रजिस्ट्री दिखाओ, तब हम कहेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। तो इतना इंसल्ट आप बर्दाश्त कर सकते हैं? कीजिए। आप सीख, हाँ, तो ये साफ है ना कि वो खुद ही वहां उदाहरण दे रही थी कि देश, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आए तो हमने बसाया। अभी तक वो खुद कह रहे हैं कि इस कानून के तहत जो भी नागरिकता का कानून है हम नागरिकता देते रहे हैं, तो जब हमने सबको नागरिकता दी है तो हम उसी कानून से सबको नागरिकता क्यों नहीं दे सकते? ये लिखा क्यों गया? ये लिखा इसलिए गया कि हम बैठकर बहस करें, और इस तरह के तर्क चलाया जा रहे हैं कि नहीं, हमको किसी का अधिकार नहीं लिया गया। आपने किसी का अधिकार लिया नहीं, किसी का नाम नहीं लेकर उसका अधिकार छीन लिया, है ना। तो बहुत सारा जो डेमोक्रेसी में ना एहसास का एक बॉन्ड होता है, ट्रस्ट का एक बॉन्ड होता है, और कुछ नहीं होता। अगर हम यहाँ पे चार लोगों का नाम लें और कहें कि भारत में चार राज्य हैं सबसे अच्छे हैं और आपके राज्य का नाम ना लें, तो आपको ये बात चुभ जाएगी। ये उतने का खेल है ये, तो ये उन्होंने वो खेल कर दिया है। अब वो गली मोहल्लों में हिंदू मुस्लिम चर्चा चल रही है, वो तो जिसमें वो सफल हो गए हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मटेरियल अगर आप देखेंगे ना, तो इतने खतरनाक स्तर पर फैलाया जा रहा है। तो ठीक है, अगर लोगों को यही तय करना है कि बच्चों को, लड़कों को खासकर सांप्रदायिक बनाना है, आपका फैसला। मैं तो कहता हूं कि भाई दंगाई मत बनाना, डॉक्टर बना लेना। मैं तो साफ साफ बोलता हूं कि ये नहीं चलेगा, और ये क्यों चलना चाहिए इस देश में? वो खुद बनाना चाहते हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा कि ये बैठ के लाइन में खड़े होकर अपने दस्तावेज दें और आप घर में बैठी रहें? नागरिकता के जिसको आप मोहल्ले में देख रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, जिससे आप 50 बार झगड़ चुकी होंगी, आप वही अगर आदमी जाके लाइन में लगेगा, वोटर की पर्ची दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, इस देश में आधे गरीब तो इससे मर जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो जो बंजारे हैं वो कहाँ जाएंगे? और औरतों के नाम से तो 50% औरतें जो इस देश में अभी तक जो लिटरेट नहीं थी, उनके नाम पे कोई संपत्ति नहीं थी, कोई पासबुक नहीं था, कुछ नहीं था, वो कहाँ कहाँ मारी जाएंगी? वो मारी मारी फिरते रहेंगी। क्यों उन पर ये चीज लादा जाना चाहिए? क्यों लादा जाना चाहिए कि जिस तरह से वो हनक से कह गए हैं कि हम इसी संसद में लेकर आएंगे? आप जनता को सजा देना चाहते हो? वो जनता को हांक रहे हैं कि हम आपको ये समझते हैं। विपक्ष की क्या औकात रह गई है वहां पे सदन में? उसके पास वो संख्या नहीं है, वो तो बोल ही गया जो बोलना था उनके पास, तो वो जनता को हांक रहे हैं ना अब, कि आप उनको कोई रोक नहीं सकता। तो वो पब्लिक से कहेंगे कि आइए आप लाइन में लगे और आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए। सो एसन रवीश कुमार, मशहूर नामानिगार इस देश दे, जिन्होंने कहा कि जो बीजेपी दी नीतियां ने वो पूरी तरह देश नू वंड रही ने, ते जो ये जड़ियां सारिया जड़ा इस मुल्क दे विच जड़ी डाइवर्सिटी है, ता जड़ा प्लूरलिज्म है, उस दे लई बीजेपी दी जड़ियां नीतियां ने वो खतरा ने, ते जड़ा ये शहरीयत दा हक जड़ी बीजेपी खोण लगी हुई है, ये जड़ा हैगा बहुत खतरनाक रुझान है। धन्यवाद।